सही है जी, क्या होने वाला इस बार? इस बार देवदार इकबाल को हम वोट देंगे पूरा हल्का जी, और इसके लिए कम से कम 50,000 वोट अपने घर के यहाँ। मैं हूँ ज़ाहिर खान और आप देख रहे हैं DT न्यूज़। 2019 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं क्योंकि गलियारों में शोर शराबा है और नेताओं का आना जाना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, 21 तारीख को मतदान होगा और पुनाना की सियासत खासी रोचक नज़र आती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस ने जो टिकटों का आवंटन किया है उसके बाद सभी नेताओं का कई दौर की बैठकें चल रही हैं और कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पुनाना में, यहाँ के मौजूद लोगों से बात करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। जी जनाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो ऐसा है, ये हम कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस विलय की थी तो कांग्रेसियों ने पता नहीं किस कारण से हमारा टिकट काट दिया, क्योंकि हम BJP में 27,000 वोट ली थी हमने जी। और वो पूरी मुस्लिम वोट थी जी। और जो कांग्रेस का पिछला जो उम्मीदवार था उसने 11,000 वोट ली थी जी। और सर्वे में भी हम जो सर्वे गया पार्टी के पास में जी। वो भी जो है 3 सर्वे पार्टी ने कराए थे जी। कांग्रेस पार्टी ने वो तीनों सर्वे में हम फर्स्ट नंबर पे आए थे जी। अब ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमें टिकट क्यों नहीं दिया, तो हमें तो गड़बड़ लगती है चौधरी आफ्ताब की। अच्छा, इकबाल जिलदार की अभी एक बैठक हुई थी और उसमें समर्थन किया था लिहिंगा में जो समर्थन हुआ है वो लिहिंगा की पंचायत ने, लिहिंगा के लोगों ने, मौजूद लोगों ने, अपने नौजवान तबके ने, सब ने इकट्ठा होकर समर्थन दिया। उनके 12 नंगड़े हैं, हर नंगड़े में से मौजूद लोग थे उस मीटिंग में, जो लिहिंगा में आज मीटिंग हुई है उसमें मौजूद सारे लोग थे। अच्छा, जिलदार साहब को ऐसी चर्चाएं लग रही थी कि जो दो नेता हैं, एक सुभान का सिंगारिया है और एक साहबा का नाम आता है, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा था कि एक मंच पर खड़े हुए नजर आएंगे, क्या तक सच्चाई है? देखो ये हमारे जो समर्थन है उन लोगों से पता किया जाएगा, उन लोगों से बातचीत करी जाएंगी। वो हमारे जो साथी हैं, हमारे नौजवान तबके हैं, बुजुर्ग हैं, वो जैसा कहेंगे वो काम उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, ये हमारे साथ मौजूद लोग हैं, कुछ इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये मेवात की आन बान और शान कही जाती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनावी चर्चा होती है और मौजूद लोग ये वो खास लोग हैं जो यहाँ की सत्ता तय करते हैं, जिन्होंने राजनीति को बड़े करीब से देखा है और हमारे साथ नौजवान भी हैं, क्योंकि देश की सत्ता में 60% जो आबादी है वो भागीदार होती है कि किस सियासी पार्टी को चुनना है, किसको विधानसभा में देखना है। जी भाई जी, किस तरीके से देखते हैं, चुनाव सर पे है, बहुत तेज सरगर्मियां हो गई? देखो जी, बात यह है, हमारा जो ये कैंडिडेट है इकबाल जिलदार जी, ये हर वोटर के सामने आ चुका है, हर वोटर की जुबान पे इसका नाम है और हर वोटर ये समझता है कि ईमानदार कैंडिडेट है जी। हम अब समझ चुके हैं हमें बेईमान जो कैंडिडेट हैं वो नहीं चाहिए। अच्छा। हमें ईमानदार कैंडिडेट चाहिए जो हमारा जो एरिया है, हमारा हल्का पुनाना है, इसके लिए कोई विकास करे जी। विकास के नाम पे आपको वोट जाएगा जी। हमारे साथ कुछ और भी हैं, नौजवान हैं, खास तौर से नौजवानों को लेना चाहूँगा, क्योंकि नौजवान आजकल बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और ले भी क्यों ना, क्योंकि मेवात के युवाओं का हमेशा से शोषण होता है, इनको हक नहीं मिल पाया है और नौजवानों को आगे आना चाहिए, इनसे भी बात करेंगे। भाई जी, किसको वोट जाने वाला है इस बार? इकबाल जिलदार के लिए। जिलदार को आपको लगता है इकबाल जिलदार अगर विधानसभा में पहुंचे तो आप युवाओं को हक दिला पाएंगे? बिल्कुल जी। देखिए साहब, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी जी, तबीयत सही है आपकी? हाँ, तबीयत सही है जी। क्या होने वाला है इस बार? इस बार देवदार इकबाल को हम वोट देंगे पूरा हल्का जी, और इसके लिए कम से कम 50,000 वोट अपने घर के यहाँ। देखिए साहब, जोश और खरोश युवाओं में तो है, लेकिन जो उम्र दराज है इनको भी देखने को मिल रहा है। एक हमारे साथ बुजुर्ग जी, जनाब क्या होने वाला है? जनाब बात यह है जी, मेरे गाँव नहीं है, मेरा नाम है जी। ये जो कांग्रेस पार्टी हमारे संग धोखा किया है जी, ये इसने बहुत गलत किया है जी। हम इनने पहले छड़ लिए। अच्छा। और हमारे लिए इनने काल टिकट ना दियो, 50,000 वोटर से ज्यादा वोट लिए इकबाल जिलदार, इकबाल जिलदार हम वोटर, और जो यानी अपने सारे रिश्तेदार ने टिकट दिवाए हैं, या चौरी साहब ने कहा कि हमारे आफ्ताब सिंह के वहाँ, कहा कि हमारे गबरू के वहाँ, ये जो है इसने धोखा किया कांग्रेस साहब। देखिए साहब, तस्वीर जरा साफ हो जाती है, एक नाम सामने आया है कि मेवात का ही एक बहुत बड़ा रसूख रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में अब फिलहाल हैं और नूह से चुनावी ताल ठोक चुके हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण, जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो कहीं ना कहीं
उसकी पैरवी के साथ साथ उसकी कमजोरी की उन्होंने हमारी नेताजी की दिखाई थी और किसी और की पैरवी कर दी थी। हमारे साथ और भी नौजवान हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि चुनावी दौर है और खासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी जनाब, क्या होने वाला इस बार? इस बार ये होना है जी, जिसके पास 400 वोट जी उसको हुड्डा जी ने टिकट दे दिया और हमारे इकबाल जी के पास 80,000 वोट जी उसका टिकट काट दिया जी। इस नौ तक को तो हम हुड्डा जी को 24 तारीख को ही देंगे। देखिए साहब, देखिए देखिए, यहाँ बड़ा खुलासा सामने आया क्योंकि इनका कहना है कि जो प्रबल दावेदार थे, जो पार्टी की नीतियों के साथ काम कर रहे थे इकबाल जल्दार साहब, उसको नजरअंदाज कर दिया गया और किसी ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतार दिया जिसका कोई रसूख नहीं था, ऐसा आरोप है। और भी हमारे साथ हैं, मौजूद लोग हैं क्योंकि सियासत जरा गर्म हो गई है, दिल थाम के बैठिएगा। सियासत गिरगिट की तरह रंग बदल रही है क्योंकि हम लगा रहे हैं जनता दरबार। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार देखना ना भूलिएगा। ये वो खास लोग हैं जो इस बार बहुत उत्सुक हैं सत्ता बदलने के लिए। जी जनाब, क्या होने वाला है? किसको वोट जाएगा? जेलदार को वोट जाएगा। देखिए हमारा साथ दे। जी जनाब, किसको वोट जाने वाला है? जेलदार को। जेलदार को आपको लगता है विकास कराएगा जेलदार? हाँ, विकास कराएगा। और भी हमारे साथ खास लोग हैं। विकास कराएगा जेलदार और हुड्डा जी हमारे पास चल के आएगा 24 तारीख को, हम नहीं जाएंगे हुड्डा जी के पास। अच्छा, और हम इकबाल जेलदार को जिताएंगे और 40,000 वोट से जिताएंगे। देखिए इनका जोश और खरोश देखने लायक है। ये खफा है कांग्रेस पार्टी ने इकबाल जेलदार का जो टिकट काटा है उसको लेकर के। उनका कहना है कि हम विधानसभा चुनाव में जो अपने मत के ताकत से इनको विधानसभा चुनाव में पहुंचाएंगे और उसको बताएंगे और जताएंगे कि हम जनता जनार्दन कितने ताकत रखती है और अपने मत के अधिकार से हम विधानसभा चुनाव में जेलदार को इस बार देखना चाहते हैं। ये तो वक्त बताएगा क्योंकि मेवात के सबसे बड़े जो मुद्दे रहे हैं 2009 के विधानसभा चुनाव में भी वही मुद्दे थे, कहीं ना कहीं 2014 में भी वही देखने को मिला। अब 2019 आ गया है और वही एजेंडे वही मुद्दे अभी भी खड़े हुए हैं क्योंकि मेवात को नज़रअंदाज इन रहनुमाओं ने किया है। अब देखने वाली बात होगी, जनता समझदार हो गई है कि अब की बार क्या ये बदलाव कर पाएंगे, ऐसे नेता को चुन पाएंगे जो इनका विकास कर सके, जो इनको सही तरीके की गाइडलाइन दे सके, जो युवा खास तौर से मेवात के क्षेत्र में युवाओं को हक नहीं मिल पाया है और डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत पीछे है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ संसाधनों की कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेवात में मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ के रहनुमाओं से जो सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेवात की जनता इस बार समझदार हो गई है, ये इस बार ऐसे नेता को चुनेगी जो वाकई में विकास कर सकेगा। लगातार बने रहिए क्योंकि मेरा एक और खास कार्यक्रम लगातार चल रहा है, मेरे लब आज़ाद हैं, उसमें मैं हर नेता से वो तल्ख सवाल पूछ रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल पूछने लायक हैं। आज के लिए बस इतना ही।